असलम नाजरीन मैं हूं डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिदत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेश वीडियो के साथ अभी मैंने जो लास्ट वीडियो की थी उसके व्यूज़ uh, भी बहुत आए वैसे तो अल्लाह का शुक्र है आप लोग हमेशा ही बहुत इनक्रेज करते हैं बहुत एक्नॉलेज करते हैं मेरी एफ़र्ट्स को जो कि प्योरली आप लोगों के लिए आप लोगों की बेहतरी की तरफ डायरेक्टेड है तो uh, उसमें मैंने uh, जो uh, बात की थी वो मैंने की थी कि फ़ोर कार्डिनल रूल्स क्या हैं मीट कुक करने के ताकि आप उससे मैक्सिमम न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो रीप कर सकें उसमें जो मैंने रूल नंबर फ़ोर की बात की थी वो मैंने ये बात की थी कि आप गोश्त या मुर्गी की यखनी में मीट को यहाँ तक कि किसी भी चीज़ को कुक करें मेरे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए फेसबुक पर जो मेरा ऑफिशियल पेज है डॉक्टर साहर चावला के नाम से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो नीचे स्क्रीन पर चल रहा होगा इस वक्त उस पर भी बहुत मैसेजेस आए कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि यखनी को इस्तेमाल किस तरह करना है आपके जो आठ दस सबसे ज़्यादा आज क्वेश्चन थे उनकी मैंने लिस्ट बना ली है और इस वीडियो में मैं उन सब का आंसर करने वाली हूँ जो क्वेश्चन नंबर वन था वो ये था कि विच टाइप ऑफ एनिमल मीट कौन से एनिमल मीट का टाइप यखनी में यूज़ किया जाए ऑनेस्टली जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि आपने ग्रास फेड ऑर्गेनिक मीट आपने इस्तेमाल करना है यानी आपने ऑर्गेनिक मीट इस्तेमाल करना है आपने ग्रीन फेड मीट जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना है एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यखनी की तारीफें मैंने जिस बात पर की थी वो मैंने इस बात पर की थी कि आपके जॉइंट्स को हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है तो जॉइंट्स वाले जो बेनिफिट है वो आपको बोन के उस पार्ट से आते हैं जिसमें कार्टिलेज जो है जो नरम वाली हड्डी होती है वो शामिल होती है यूजली जो मैरो कंटेनिंग बोन जो मिक वाली बोन हम यूज़ करते हैं बीफ के स्टॉक में बड़े गोश्त की यखनी में उसमें ये आपके पास जॉइंट बेनिफिट्स नहीं होते हैं उसमें ये कार्टिलेज वाला पार्ट नहीं होता तो अगर आप अपने जोड़ों को और हड्डियों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं तो मैं बड़े गोश्त का बीफ स्टॉक इतना रिकमेंड नहीं करूंगी तब मैं आपको मटन स्टॉक रिकमेंड करूंगी और कार्टिलेज कंटेनिंग पार्ट्स रिकमेंड करूँगी ये तो हो गया आपके क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्वेश्चन नंबर टू था मेरे पास कि बोन ब्रॉथ को किस फॉर्म में यूज किया जाए और क्या आप इसको पी सकते हैं बोन ब्रॉथ को आप हर खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं आप अपने वेजिटेबल सूप्स उसमें बना सकते हैं आप अपनी दाल में उसको शामिल कर सकते हैं आप गोश्त का खाना जो है वो उसमें बना सकते हैं आप यहाँ तक कि मैं कहती हूँ खाने के साथ अगर आपने सैलड सौते करने आपने अनियंस मशरूम सौते करने आपने शिमला मिर्चें बेल पेपर्स टोमेटो सौते करना है उसके ऊपर आप उसको डाल सकते हैं आप जितनी भी ये टोमेटो प्यूरीज हैं मार्केट से जो आपके पास प्रोसेस्ड टोमेटो प्यूरीज आती हैं जो नहीं जाते हैं इनकी जगह आप अपनी ड्रेसिंग्स में आप बोन ब्रॉथ को यूज कर सकते हैं और इसको पी सकते हैं आप इसको क्यों नहीं पी सकते हैं आप इसको अपनी मील्स की जगह भी ले सकते हैं बल्कि अगर आपने इसका असर करना है हड्डी और जॉइंट्स के लिए तो ये आपके पास अच्छी है ही आप इसमें जो है थोड़ा सा एक टेबल स्पून अदरक क्रश करके डाल सकते हैं और आप इसको गर्म कर सकते हैं थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं और मैं कहती हूं कि ये आपके पास पावर पैक बन जाएगा कंप्लीट पैकेज बन जाएगा एंटी इंफ्लमेटरी सोजिश कम करने वाला एंटी

होती है जो हड्डियों की यखनी होती है वो लिक्विड होता है तो बिल्कुल आप इसको माइक्रोवेव में गर्म करके पी सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो जो है है वो मेरे पास ये था कि आ, क्या बोन ब्रॉथ हड्डियों की यखनी जो है उसके न्यूट्रिएंट्स आपके पास कम तो नहीं हो जाते हैं जब आप उसको माइक्रोवेव करते हैं हाँ माइक्रोवेव करने से आपके पास कुछ न्यूट्रिएंट्स कम जरूर होते हैं जैसा कि वाइटामिन सी लेकिन याद रहे कि हड्डियों की यखनी हम सिर्फ वाइटामिन सी की वजह से नहीं ले रहे हैं हम ले रहे हैं उन कमाल मॉलिक्यूल्स की वजह से जिनका मैंने आपको पिछली में बताया था ग्लाइकोजमाइनो की वजह से हाईलोरिक एसिड की वजह से कॉलेजन हाइड्रोलाइजेट्स की वजह से जो कि आपके जॉइंट्स और हड्डियों को मजबूत करते हैं और इन पर माइक्रोवेव हीट का कोई असर नहीं पड़ता तो बिल्कुल आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि फ्रीज करने से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी आपके पास जाता है यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रीज करने से इन इनकॉलोजिन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को ज्वाइंट मजबूत करने वाले मॉलिक्यूल्स को तो आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं और आप इसको फ्रीज़ करके बाहर निकाल के दोबारा गर्म करके भी पी सकते हैं अगला क्वेश्चन था कि क्या ये आ, जो है आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं आपके पास जो मार्केट वाली ब्रॉथ्स होती हैं जो स्टोर मेड ब्रॉथ्स होती हैं यूजुअली दे आर वेरी लाइट और वो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती हैं तो उनके आप दो से तीन कप्स ले सकते हैं अगर आप घर में खुद बनाते हैं ठीक है जो कि जेलिटनाइज भी ज़्यादा है आपके पास और कॉन्सनट्रेटेड भी ज़्यादा है आपके पास तो डेली तीन से चार टेबल स्पून जो है आप लीजिए एक से दो कप लेने की ज़रूरत नहीं है आप मैक्सिमम न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो तीन से चार टेबल स्पून में भी ले सकते हैं प्रोटीन जो है आपके पास पर आउंस में एक अच्छी प्रोपोर्शन में उसमें मौजूद होती है जो आपके पास घर से बनी यखनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये था आई एम सो हैपी कि मेरी ऑडियंसिस इतनी एजुकेटेड हैं और वो चीज़ों पर रिसर्च भी करती हैं कि क्या डेली uh, बेसिस पे या बहुत फरावानी से हड्डियों की अखली लेने से बॉडी में लेड कंटेमिनेशन हो जाती है 2013 में एक आर्टिकल आया था कि लेड कंटेमेशन बोन ब्रॉथ के रेगुलर कंजम्पशन से हो सकती है या इसका खतरा है और उसकी बेसिस ये थी मैं आपको समझाती चलू कि एक रिसर्च की गई थी जिसमें देखा गया था कि आपके पास जो लेड मेटल है उसकी जो मकदार है आपके पास एक किलो ऑफ लिक्विड बोन स्टॉक में यानी यखनी में वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लेन वाटर यानी वो आपके पास नाइन पॉइंट समथिंग नाइन पॉइंट फाइव माइक्रोग्राम से एक किलो ऑफ लिक्विड बोन स्टॉक स्टॉक में एज कम्पेयर टू पॉइंट एट नाइन माइक्रोग्राम्स प्लेन वाटर में लेकिन यहाँ पर मैं ये बताती चलूं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे खाने हैं हमारे पास सीरील्स हैं हमारे पास फिश है हमारे पास चिकन है हमारे पास एग्स हैं जो मार्केट से खरीदते हैं जिनका लेड कॉन्टेंट इस बोन स्टॉक से कहीं ज्यादा होता है तो ये जो रेलिवेंस है इस लेड कंटेमिनेशन स्टडी की ये तब ज्यादा प्रिडिक्टेबल होगी अगर इसको प्लेन वाटर की जगह दूसरे फूड आइटम्स के साथ कंपेयर किया जाए अदरवाइज जो है इसमें परेशान की कोई बात नहीं है और आप बोन स्टॉक का जो है वो रेगुलर कंजम्पन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यह था कि क्या प्रेशर कुकर वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन यूज किया जा सकता है uh, हड्डियों की यखनी को बनाने के लिए तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि प्रेशर कुकर दो आपके पास एक शॉर्टकट है यानी आपके पास टाइम रिड्यूस कर देता है हड्डियों की यखनी बनाने में कम से कम दो से चार घंटे लगते हैं आधा कर देता है टाइम को यखनी बनाने में लेकिन वो टेस्ट को थोड़ा इंडस्ट्रियल भी कर देता है लेस ब्राइट भी कर देता है और न्यूट्रिशस कॉन्टेंट भी डिक्रीज़ कर देता है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ट्रेडिशनल तरीके से हड्डियों की यखनी बनाएं और प्रेशर कुकर को अगर आपको जल्दी नहीं है तो मिस कराएँ उसको आप अवॉइड करें अगला क्वेश्चन मेरे पास ये था कि जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए क्या सब्सटीट्यूट है बोन ब्रॉथ का हमारे पास जितने भी सी वीड्स हैं ठीक है उनमें हमारे पास बैक्टीरिया होता है माइक्रोबियल कल्चर होता है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के साथ जिसमें हमारे पास यही ग्लाइकोजमाइनोगकिन मौजूद हैं जो कि आपके पास हड्डियों के कॉलेजन में मौजूद हैं जिनसे हम यखनी निकालते हैं कम परसेंटेज में 0.5 टू 1 परसेंट डिपेंडिंग आप कौन सी स्पीशीज़ जो है वो सी की इस्तेमाल कर रहे हैं कहा जाता है कि जो सी कैल्प है आपके पास इस सी को खाने में इस्तेमाल किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है ग्लैकोजमानोग्लैकन्स की लेकिन यहाँ पर ये रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये वाले ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन्स हमें प्लांट बेस्ड सोर्स से ले रहे हैं तो क्या वो हमारी बॉडी पर हमारी जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करने पर उसी तरह असर करेंगे जिस तरह हम ग्लाइकोजमायनोग्लाइकन्स एक एनिमल बेस्ड सोर्स से लेते हैं या नहीं इसका सवालिया निशान है तो इसका जवाब यही होगा कि एक प्रॉपर और परफेक्ट ऑल्टरनेटिव तो नहीं है आपके पास बोन ग्रोथ से मिलने वाले ज्वाइंट मजबूत करने वाले केमिकल्स का हमारे पास वेजिटेरियन सोर्सेज में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी सवाल जो है सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो मेरे पास ये था कि आपके पास क्या जेलेटिन बोन स्टॉक के मुकाबले में उतना ही अच्छा नहीं है अब जेलेटिन आपके पास हड्डियों से बनाया जाता है और जो बोन ब्रॉथ है उसमें आपके पास हड्डियाँ भी मौजूद होती हैं और काटलेज भी मौजूद होता है हालांकि जेलेटिन में भी आपके पास कॉलिजिन हाइड्रोलाइजेट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास जब हम हड्डियों के सारे पार्ट्स लेकर बनाते हैं यखनी उसमें से एक चीज़ का कॉम्पोनेंट वो भी हैं लेकिन उतना फ़ायदा आप नहीं उठाते हैं जेलेटिन से जितना जब आप हड्डियों और कार्टिलेज हर चीज को मिक्स करके पकाते हैं तो आप उससे फायदा उठाते हैं मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप हड्डियों की यखनी लेते हैं तो जो जब आप उसको ढक्कन बंद करके पकाते हैं उसमें से जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जिसमें ट्रॉप होता है कि वो जगह जगह पर ढूंढते हैं कि हड्डियों में और ज्वाइंट्स में आपके पास कॉलेजिन कहां कहां पर मिसिंग है और वहां पर जाकर उसको रिपेयर करते हैं इट इज मैजिकल उसको रिजिविनेट करते हैं आई होप मैंने आपके मोस्ट आस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है इनशाला एक टॉपिक के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे इजाजत दें अल्लाह हाफिज